मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है। तो रूम तो मैंने मॉर्निंग में ही ठीक कर दिया था और आज ना इस वाले बेड पे मैंने ये वाली बेडशीट जो है चेंज कर दी है, और ये भी कॉटन की बेडशीट है। तो आज मैंने इसकी बेडशीट चेंज कर दी है और इस वाले बेड की मैंने चेंज नहीं की क्योंकि ये मैंने परसों ही चेंज की थी, तो इसकी मैंने चेंज नहीं की आज। और साथ ही हाथ से कुछ कपड़े धुले थे मॉर्निंग में, वो भी सूख गए होंगे, उनको मैं उतार के लाती हूँ। तो मेरा ऑलमोस्ट सारा काम फिनिश हो चुका है। अब मैं जा रही थी नीचे, दोनों बच्चे नीचे ही खेल रहे हैं, दोनों बच्चों ने शार ले लिया है, नोनो की जस्ट अभी अभी ऑनलाइन क्लास खत्म हुई है। तो यहाँ जो कपड़े मैंने मॉर्निंग में धुले थे ना, वो मैं उतारने के लिए जा रही थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है तो कपड़े ना सूख जाते हैं। और यहाँ देखो बच्चों ने ना क्या बनाया हुआ है, तो यहाँ बच्चों ने ना छोटा सा एक टेंट बना के रखा है, तो यही सब करते रहते हैं बच्चे, सारा सारा दिन बिजी रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, हम लोग भी छोटे में बचपन में ना यही सब चीज़ें करते रहते थे, पूरा पूरा दिन बिजी रहते थे इसी तरह के काम करने में। तो यहाँ इन लोगों ने क्या किया है, बल्कि इन्होंने क्या, मैंने इनको तीन जो डंडे होते हैं ना उनको मैंने ऊपर से बांध दिया था और एक ना फ्रेम काइंड ऑफ बन गया था। तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे दुपट्टे लगा के इस तरह का टेंट बना लेते हैं, देखिए पीछे, तो इसमें सारा दिन बिजी रहते हैं। तो बच्चे जस्ट अभी अभी नीचे गए हैं और मैं कपड़े उतारूंगी, फिर मैं जाऊंगी नीचे और आज का लंच बनाऊंगी। लंच में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आज मैं बनाने वाली हूँ, जस्ट आज मैं बनाने वाली हूँ, बहुत तेज़ धूप लग रही है यार, तो आज मैं बनाने वाली हूँ पुलाव। तो पुलाव के लिए जो न्यूट्री नगेट है वो तो ख़त्म हो चुकी है, तो मैं सिर्फ बीन्स आलू वगैरह डाल के बनाऊंगी। उसके लिए बीन्स थोड़ी सी फ्रेश तोड़ लूँगी क्योंकि हमारे यहाँ बीन्स लग रही हैं। और यहाँ देखो कपड़े मेरे ऑलमोस्ट सूख चुके हैं क्योंकि बहुत गर्म हवा चलती है आजकल, अच्छी खासी धूप निकली हुई है। और साथ ही ना मैंने और आशु ने ना मेरे ख्याल से हम लोगों ने 3-4 दिन हम लोगों को हो गए हैं, हम लोगों ने चीकू पकाने के लिए रखे थे, वो भी शायद पक गए होंगे, तो वो मुझे निकालने हैं। फिर नीचे चलते हैं और लंच की तैयारी करते हैं। हाँ बच्चा फेंक दो, वो देखिए पीछे खड़े हुए हैं एमी जी। गाइज, धुले हुए कपड़ों को रूम में अंदर रखने के बाद मैं नीचे आ गई हूँ और मैं यहाँ स्टोर रूम में आ गई थी। तो यहीं पर हमने ना बॉक्स में ये चीकू दबा के रखे थे पकने के लिए, तो इनको हम इसी तरह से दबाते हैं। एक एक चीकू को हमने न्यूज़पेपर में रोल किया और इस तरह के कार्टन बॉक्स में रख दिया था इनको पकने के लिए। और देखिए चीकू ना बहुत अच्छे से खुद ही पक जाते हैं, इसमें कार्बाइड भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, चीकू को अच्छे से इस तरह के न्यूज़पेपर में रोल कर देते हैं और सबको इकट्ठा करके और कुछ के ऊपर से ढक देते हैं मोटे मोटे कपड़े, जिससे कि हवा अंदर ना जा पाए और बहुत अच्छी तरह से बिना कार्बाइड के चीकू पक के तैयार हो जाते हैं। और यहाँ आप देख सकते हो कितने सारे चीकू मैंने निकाल लिए हैं और जो पके नहीं थे उनको मैंने दोबारा से बॉक्स में रख दिया है, तो वो भी 2-3 दिन में पक के रेडी हो जाएंगे। और डेली हमारे 1 से 2 किलो चीकू जो है वो निकल जाते हैं। और घर के फ्रूट की सब्जी की तो बात ही कुछ और होती है, चाहे कम ही हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो यहाँ मैंने सारे चीकू निकाल लिए हैं, अब मैं इनको ले जा करके किचन में अच्छे से धुल लूंगी और फिर हम लोग इनको खाएंगे। तो यहां देखिए मैंने एक चीकू कट करके आप लोग को दिखाया है कितने अच्छे से पका है। तो गाइज़ अभी 12 बज चुके हैं, लंच का टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है, तो मैं जल्दी से छोक रही हूँ आज पुलाव। और पुलाव बहुत ही बेसिक से पुलाव बनाने वाली हूँ। तो यहाँ कुकर में मेरा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, ऑयल के गर्म होते ही मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा और हींग डाल दी है। और जीरा हींग भुनते ही मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक लंबे लंबे कटे हुए प्याज और बहुत सिंपल से पुलाव छोकूंगी। और जब भी मेरा कुछ बनाने का मन नहीं करता है ना, और ऐसा होता है कई बार ना जब हमारा कुछ काम करने का मन नहीं करता, यानी कि थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है हमें
खाना बनाने से। तो फिर उस दिन ना मैं पुलाव बना लेती हूँ, एकदम झटपट से बन जाते हैं और खाने में भी टेस्टी लगते हैं, मुझे तो अच्छे लगते हैं। वैसे आशू को इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जब कभी मेरा मन नहीं करता है ना तो मैं बना लेती हूँ और वो खा भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पसंद नहीं है तो वो खाते नहीं है। तो प्याज यहाँ मेरे अच्छे से भुन गए थे, तो अब मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए, हरी मिर्च ऐड कर दी है, और साथ ही मैंने टमाटर के साथ में ना यहाँ जो बारीक काट के बीन्स रखी हुई थी वो भी डाल दी है। और आज ना मेरी न्यूट्री नगेट ख़त्म हो गई थी, इसलिए सिर्फ मैं बीन्स ही डाल करके पुलाव बना रही हूँ, थोड़े से आलू भी डालूंगी। तो यहाँ टमाटर, बीन्स और प्याज मेरे अच्छे से भुन गए थे, तो मैंने इसमें थोड़ी सी रंग वाली लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर रही हूँ, और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा सब्जी मसाला। और धनिया पाउडर मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि कुछ मसाले मेरे ख़त्म हो गए हैं, वो मुझे मंगवाने हैं, तो इसलिए आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से छोक रही हूँ। तो यहाँ मैंने आलू भी जो बारीक कट करके रखे हुए थे वो भी डाल दिए हैं, मसाला अच्छे से भुन गया है, और अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं भीगे हुए चावल। और ये जो खिचड़ी है ना, ये मेरे ख्याल से सभी के यहाँ पर बनती है, जब भी कुछ ज़्यादा बनाने का मन नहीं करता है ना तो झटपट से यही ऑप्शन समझ में आता है। तो गाइज यहाँ हमारा आज का लंच बनके रेडी हो गया है, ये रहे गर्मा गर्म पुलाव। आप देख सकते हो कितने प्यारे खिले खिले और कितना अच्छा कलर आया है पुलाव का। और यहाँ मैंने साथ में बना लिया है बूंदी का रायता, और ये मैंने मट्ठे में बूंदी की है, दही में नहीं की है, क्योंकि गर्मियों में ना दही से ज़्यादा ना मट्ठा पीने में बहुत टेस्टी लगता है, तो ये गाढ़ा गाढ़ा सा मट्ठा है। तो ये रहा मट्ठे का रायता, और यहाँ मैंने थोड़े से चीकू काट लिए हैं, ये देखिए। तो ये है हमारा आज का। चाय पी है, चाय पीने के बाद सीधा मैं अंदर आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे आज आप लोग के साथ शेयर करनी है एक और बहुत स्पेशल सी मीठे की रेसिपी। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट गुलाब जामुन की रेसिपी। बहुत इजी तरीके से बन जाते हैं, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए और झटपट से बनके रेडी हो जाते हैं। तो अगर आप लोग का भी गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, क्योंकि अभी 6:30 पे आप लोग को पता है मैं अपना डिनर प्रिपेयर करना शुरू कर देती हूँ, तो मैंने सोचा कि उससे पहले ही मैं मीठा बना के रख देती हूँ, क्योंकि गुलाब जामुन को चाशनी में छोड़ने के लिए एटलीस्ट 1 से 2 घंटा चाहिए, तभी वो चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं और बन के रेडी हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी 5:30 का चाय टाइम हो रहा है, जब तक हम लोग डिनर करेंगे ना मेरे गुलाब जामुन एकदम रेडी हो जाएंगे खाने के लिए। तो चलिए जल्दी से, अभी और देर नहीं करते, आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करते हैं, तो आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। तो चलिए बनाते हैं झटपट से इंस्टेंट गुलाब जामुन। तो गाइज इंस्टेंट गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले मैं तैयारी कर रही हूँ चाशनी की। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी चीनी ली है, और जिस कटोरी से मैंने चीनी ली है वही 1 कटोरी मैंने पानी डाल लिया है। फ्लेम को मैंने लो पर कर दिया है, और हल्के हल्के से मैंने मिक्स करते हुए चीनी को इसमें मिक्स कर रही हूँ। कुछ ही देर में हमारी चाशनी बन के रेडी हो जाएगी, और हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं चाहिए, हल्का सा चिपक ही आना चाहिए चाशनी में, ऐसी हमें गुलाब जामुन के लिए चाशनी चाहिए। तो जब तक हमारी चाशनी बन के रेडी होगी, दूसरी तरफ मैं गुलाब जामुन के डो की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी सूजी ले ली है, और उसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच देसी घी, जो कि सिर्फ हमें फ्लेवर के लिए चाहिए, और बहुत हल्का सा हमको ये सूजी जो है भूननी है, बिल्कुल ब्राउन नहीं करनी है, बिल्कुल हल्का सा इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए। आप देख सकते हो अभी भी वाइट ही दिख रही है सूजी, बिल्कुल हल्का सा ही उसमें गोल्डन कलर आया है, इसका मतलब हमारी सूजी अच्छे से भून चुकी है, और बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको भूनना है। तो सूजी भूनने के बाद में मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 कटोरी दूध, और जिस कटोरी से हम लोगों ने सूजी ली थी ना वही 1 कटोरी हमें दूध लेना है, और वही वाली आधा कटोरी हमें पानी डालना है, यानी कि हमने इसमें 1 कटोरी दूध डाला है और आधा कटोरी पानी, और फ्लेम अभी भी मेरी बिल्कुल लो पर है,
हाइपर हमें नहीं करना है। साथ ही मैंने यहाँ ऐड कर दिया है 2 चम्मच सूखा दूध, यानी कि एवरीडे का मैंने इसमें सूखा दूध डाल लिया है और अच्छे से सूजी को मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हो कि सूजी ने दूध और पानी अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है और फूल भी गई है सूजी। तो फ्लेम को मैंने ऑफ करके इसको मैंने एक अलग से बर्तन में निकाल लिया है और आप देख सकते हो बिल्कुल हलवे जैसी थिक हो गई है ये। तो अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद में फिर हम डो तैयार करेंगे। और गाइज इधर हमारी चाशनी बनके रेडी हो गई है। तो इसमें मैंने डाल दिया है 5 से 6 बूंद केवड़ा एसेंस, आप चाहें तो इसमें छोटी इलायची भी डाल सकते हो। तो गाइज यहाँ मेरी चाशनी भी अच्छे से बनके रेडी हो चुकी है, इसमें हल्का सा चिपक आ चुका है। तो हमें चाशनी जो है गुलाब जामुन के लिए 1 तार या 2 तार की नहीं चाहिए, सिर्फ इसमें अच्छा सा चिपक आना चाहिए, बस वैसी ही हमें चाशनी चाहिए। तो चाशनी मेरी बनके रेडी है, इसमें केवड़ा एसेंस भी मैंने डाल लिया था। तो गैस को ऑफ कर देते हैं और यहाँ मैंने जो सूजी को अच्छे से बना करके रखा है, यानी कि जो गुलाब जामुन के लिए मैंने डो बनाया है वो भी हल्का हल्का सा ठंडा हो गया है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, बिल्कुल हल्का हल्का सा गर्म है। तो अब मैं इसको अच्छे से गूंथ लूंगी और फिर हमारे लिए जो डो है गुलाब जामुन का रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसको गूंथ लेते हैं क्योंकि हल्का सा ठंडा हो गया है ये। और गाइज जब आप लोग डो को तैयार कर रहे हैं ना, तो आपको एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो डो है ना उसको बहुत अच्छे से मसल मसल के गूंदिएगा, क्योंकि हमें बिल्कुल स्मूथ एकदम सॉफ्ट सा डो तैयार करना है जिसमें कि बिल्कुल भी दाने ना रहें। एकदम से आप जब अच्छे से उसको मसल मसल के गूंदोगे ना, तो आप देखोगे कि बिल्कुल सॉफ्ट डो आपका रेडी हो जाएगा। वही परफेक्ट डो है गुलाब जामुन की बॉल्स बनाने के लिए। तो यहाँ डो मेरा रेडी हो गया था, तो मैंने यहाँ छोटी छोटी बॉल्स बना ली हैं। और आप बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की बॉल्स मत बनाइएगा क्योंकि तलने के बाद में फिर ये फूलते भी हैं। सारे गुलाब जामुन जो है मैंने ऐसे रेडी कर लिए हैं, अब बस हमें इन्हें तलना है और फिर उसके बाद हमें इनको छोड़ देना है चाशनी में और हमारे गर्मा गर्म गुलाब जामुन रेडी हो जाएंगे। तो चलिए मैंने इनको अच्छे से राउंड राउंड बना लिया है, अब इनको तल लेते हैं। जब आप गुलाब जामुन को डाल रहे हो तो ये जो गैस है फ्लेम है एकदम सिम पे होनी चाहिए, बिल्कुल तेज तेज आंच पे आपको गुलाब जामुन नहीं तलने हैं, नहीं तो फिर आपके गुलाब जामुन क्या है कि टूट भी सकते हैं तलते वक्त। और दूसरी बात ये है कि गुलाब जामुन अंदर से कच्चे भी रह सकते हैं, इसलिए इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको अच्छे से अलटते पलटते हुए भूनना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से जो है पक जाए। और दूसरी बात यह है कि टूटे ना आपके गुलाब जामुन, क्योंकि अगर टूट गए ना तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी और जितना ऑयल आप यूज कर रहे हो ना वो भी खराब हो जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको डालना। तो आपके गुलाब जामुन देखोगे आप बिल्कुल नहीं फटेंगे, बहुत अच्छे से बनके रेडी हो जाएंगे और अच्छे से अंदर तक बिल्कुल बढ़िया तरीके से होके ये पक जाएंगे। तो आप और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि ये देखिए परफेक्ट गुलाब जामुन है, कहीं से भी आपको इसमें कोई भी दरार नजर नहीं आ रही होगी, कहीं से कोई भी ना आपको लाइन नजर नहीं आ रही होगी। तो इतने अच्छे गुलाब जामुन आपके बन के रेडी होंगे, मेरे बताई गई रेसिपी के अकॉर्डिंग भी आप इनको बनाना। आप देख सकते हो पास से कितना बिल्कुल प्लेन गुलाब जामुन बन के रेडी हुआ है, बहुत अच्छे गुलाब जामुन बने हैं जो आप मार्केट से मिल। तो गाइज़ गुलाब जामुन मेरे तल के रेडी हो चुके हैं, अब मैं उनको डाल रही हूँ चाशनी में और चाशनी मेरी गरम है, लेकिन गुलाब जामुन को तलने के बाद मैंने सीधा इस चाशनी में नहीं डिप किया है, थोड़ी देर उनको बाहर रखा है 5 मिनट के करीब, उसके बाद मैंने इनको चाशनी में डाला है। और चाशनी में एटलीस्ट आप लोग को इसको 2 घंटे के लिए छोड़ना पड़ेगा ताकि अच्छे से ये चाशनी को एब्जॉर्ब कर ले। और यहाँ 2 घंटे बाद हमारे गर्मा गर्म गुलाब जामुन बन के रेडी हैं, आप देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से बन के रेडी हुए हैं, अंदर से सुपर सॉफ्ट है, सुपर यमी है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है।
कैसे बने मम्मी? अच्छे बने। आप तो खाते नहीं मीठा, पर या भूख लगी सबको देख के? चाहिए। कैसे लग रहे देखने में? अच्छे लग रहे हैं ना? एमी कैसा लग रहा है? वन मोर लिया। एमी को अगर अच्छा लगा इट मींस बहुत अच्छा बना है, क्योंकि एमी बिल्कुल मीठा नहीं खाता, इसलिए एमी जी ने एक और लिया है। तो एमी कैसा बना? बहुत अच्छा। यम्मी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मैंने जस्ट अभी अभी थोड़ी देर पहले शार लिया है और ब्रेकफास्ट किया है। यहाँ देखिए चाय का कप भी मैं लेके बैठी हुई हूँ, क्योंकि कल मैं अपनी वीडियो का एंड नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं मॉर्निंग में आप लोगों से बात करती हूँ, फिर वीडियो का एंड करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ कमेंट्स तो शेयर नहीं करने वाली हूँ आप लोगों के, लेकिन आप लोग के नेम जरूर लेने वाली हूँ, क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे हैं यार, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ था कि मैं हर वीडियो के एंड में आप लोग के कमेंट्स पढ़ूंगी, जो कि बहुत प्यारे प्यारे होते हैं, तो मैं कमेंट्स तो नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन आप लोगों के मैं नेम्स लेना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो कि नाम लेना तो आप लोगों का बनता है। तो सबसे पहला नेम है चांदनी सुल्ताना जी का, फिर है मुस्कान ठाकुर, रशदीप कौर, और ये सभी लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, सभी को मैं कहना चाहूंगी थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू है इतना प्यार करने के लिए। नेक्स्ट है नीतू कौर, शिखा शर्मा और आशा गादवी, जेपीएस स्टूडियो, तो इनका जो आईडी है वो जेपीएस स्टूडियो के नाम से है, उज्जवल चौधरी, फतेह सिंह और हरबंस संधु। नेक्स्ट है संगीता पालदास, परमजीत कौर संधु, तो सबको बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, अपने कीमती टाइम में से मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकालने के लिए, थैंक यू सो मच। पूनम भंडारी, मेहर अली और इसरार अंसारी, रीना थापा, अमित कन्नौजिया, भावना कक्कड़। नेक्स्ट है अखून शाजिया, मुझे लग रहा है कि पता नहीं मैं गलत प्रोनाउंसिएशन ना कर रही हूँ, तो उसके लिए पहले से सॉरी बोलती हूँ। साजरीन जमन, रिचा नौटियाल, साबी जट, गेती 12, तो ये सब प्यारे प्यारे जो हैं मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो डेली हर वीडियो के नीचे मुझे कमेंट्स करते हैं, और थैंक यू सो मच यार इतना सारा प्यार करने के लिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, अपने इम्पॉर्टेंट और डेली के टाइम में से मेरे लिए वक्त निकालने के लिए और प्यारा सा कमेंट टाइप करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखना, और इस रेसिपी को जो मैंने आप लोग के साथ इस व्लॉग में शेयर किया ना, एक बार ज़रूर ट्राई करना। गुलाब जामुन बहुत अच्छे बने थे और बहुत ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं चाहिए। तो देखिए, इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि इस मुश्किल समय में हम सब ने जीना सीख लिया है, हम लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसा हम सभी लोग कर रहे हैं जिससे कि हम सभी को खुशी मिल सके। तो मुश्किलों में हंसी खुशी से जीना हम सब लोग सीख चुके हैं, और इसी तरह ये वक्त जो है वो कट जाएगा, वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा हो, एक ना एक दिन कट जाता है, बहुत जल्दी कटेगा, और हमारे सब्र का फल जो है ना हमें बहुत मीठा मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा, यही कामना है मेरी। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नए व्लॉग में। आई होप कि आज का ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।